जमशेदपुर में रेलवे पुलिस ने एक बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की 5 महिला समेत 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने 14 दिसंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 8 महीने के बच्चे की चोरी की थी। हालांकि 19 दिसंबर को पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था। सावधान, आपके बच्चे पर है पूरी नजर। कोल्हान में एक्टिव है बच्चा चोर गिरोह। पुलिस ने एक गिरोह का किया पर्दाफाश। अगर आपका बच्चा छोटा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चे से कहीं आपकी नजर हटी या फिर आंखें बंद हुई तो आपका बच्चा गायब हो सकता है। कोल्हान में बच्चा चोर का एक ऐसा ही गिरोह सक्रिय है। हालांकि पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा है, लेकिन अब भी 3 लोग फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 5 महिला शामिल है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है बच्चा चोरों का। और इसमें ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो कुछ खासकर पुरुष जो मेंबर्स हैं इस गिरोह के, वो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां 1 साल 2 साल से नीचे के, खासकर जो जिनके माता पिता रोड या आसपास कहीं पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं, उनके बच्चों को चोरी करते हैं और एक पूरे सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत एक दूसरे को हैंडओवर करते 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 फिर ये किसी बायर तक पहुंचते हैं, जिनके द्वारा इस बच्ची को खरीदा जाता है। 14 दिसंबर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 8 महीने की एक बच्ची का अपहरण हुआ था। पुलिस ने 19 दिसंबर को अगवा बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन अपहरण कांड में शामिल लोग फरार थे। ऐसे में पुलिस ने कड़िया जोड़ी और फिर गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा। बच्चा चोरी का यह गिरोह संगठित तरीके से काम करता है। कोई भी आरोपी अपने पास बच्चे को 2 दिन से ज्यादा नहीं रखता था। इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग कभी भी किसी बच्ची को अपने पास 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रखते थे। हमेशा एक लेडी से दूसरे लेडी को हैंडओवर कर दिया जाता था और इसीलिए इस पूरे लिंक को एस्टेब्लिश करने में हमें भी काफी समय लग गया। इसमें अरेस्टिंग भी हुई है और बाकी भी अरेस्टिंग हम करेंगे। पुलिस अब बच्चे के अपहरण की दूसरी घटनाओं के तार भी जोड़ने में लगी। पुलिस को आशंका है कि ये गिरोह पहले भी बच्चा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पुलिस पकड़ने की कोशिश में जुट गई। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रवीण की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे जमशेदपुर से सहयोगी प्रवीण हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह रही कि जो बच्चा 8 महीने का था, जिसे 14 दिसंबर को चोरी कर लिया गया था, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। घटना घटी और उसके बाद जो पुलिस, रेल पुलिस को जो सफलता हाथ लगी, जीआरपी को जो सफलता हाथ लगी, एक बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस का भंडाफोड़ जो है रेल पुलिस के द्वारा किया गया, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हम आपको बता दें कि 14 दिसंबर के मध्य रात्रि जो बच्ची अपने 8 माह की जो बच्ची अपने माता पिता के साथ सोई हुई थी स्टेशन प्लेटफॉर्म के, तभी 2 की संख्या में अपराधी आते हैं और एक कार से बच्ची का अपहरण करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। काफी खोजबीन के बाद टेक्निकल सेल की मदद, फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सरायकेला जिला पुलिस और पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस आरपीएफ की मदद से सरायकेला जिले से बच्ची को सविता हेमरा और 19 दिसंबर को बच्ची बरामद होती है, जिसके बाद अनुसंधान के क्रम में पता चलता है कि सविता हेमरम के साथ साथ 4 अन्य महिलाएं हैं जो इस गिरोह में शामिल है और एक पुरुष भी है जो इस गिरोह में शामिल है। तो 5 महिला और एक पुरुष की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पाया कि ये गिरोह है, ये लगातार अंतर्राज्यीय गिरोह है और लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में भी कई ऐसी घटनाएं घटी है, बरमा थाना क्षेत्र में भी कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें इनका हाथ है। तो अभी जो 2 मुख्य आरोपी जो और भी है, 2 से 3 की संख्या बता रही है पुलिस, जो कि इस घटना को अंजाम दिए थे, उनके धरपकड़ के लिए भी छापेमारी अभियान जारी है और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द जो है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि एक ऐसे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ जिससे साफ पता चलता है कि जो आसपास के राज्यों में जो बच्चा चोरी की घटना घटी, 25-30 हजार में ये बच्चे को बेच दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये बच्चे जो अपहरण होते थे वो एक सदस्य के पास ज्यादा दिन नहीं, उसको ट्रांसफर करते थे, कभी उस गिरोह के दूसरे सदस्य, फिर वो तीसरे सदस्य, फिर चौथे, और फाइनली उसका अंततः वो बच्चे को जिनको बेचना होता था उन्हें बेच देते। तो ये भी साथ ऐसी घटना घटती, लेकिन इससे पहले रेल पुलिस आरपीएफ की बात करें,
बात करें, पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस की बात करें, इन्होंने सफलता खासकर रेल पुलिस की जीआरपी की बहुत बड़ा जीआरपी का बहुत बड़ा एक वो सफलता है जो उन्होंने घटना बच्ची को बेचने से पहले ही बच्ची को बरामद कर लिया और अपराधियों को उधर दबोच लिया और कुछ जो अपराधी फरार हैं वो अब गिरफ्तार हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। तो बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश, एक गिरोह को का पर्दाफाश किया है रेलवे पुलिस और पुलिस प्रशासन ने। जिस तरीके से ये बच्चों की चोरी करते थे, अपने पास ज्यादा वक्त नहीं रखते थे और बच्चों को बेच दिया जाता था, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी जो 14 दिसंबर को बच्चे की चोरी हुई थी उसे भी सकुशल 19 दिसंबर को बरामद कर लिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।